तो या तुम खिंचाने वालों फिर से स्वागत है वीडियो में और बहुत ही शानदार लोकेशन में हो, देख सकते हो एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन में जहां रास्ते की काम चल रही है, मतलब कि रास्ते को 4 लेन बनाया जा रहा है। बहुत जल्द ये रास्ता काम में आने वाला है, 4 लेन बन जाएगा, ब्यूटीफुल बन जाएगा। और ये सीन देखो यार, पहाड़ के देख रहे हो ना, अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ कितने नजदीक में है। और मैं रहता भी अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही करीब हूँ, बहुत ही नजदीक में रहता हूँ। अगर आप सबको मेरे होम टाउन के बारे में पता है तो प्लीज कॉमेंट करके बताना, कितनों को पता है देखना चाहता हूँ मैं। और आज हम जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं, चलो उसी में बात करते हैं। तो यहाँ खड़ी अपनी पल्सर N160 और इसको लेकर के मैंने भाई बहुत सारे राइड करे हैं और कंप्लीटली 16,000 किलोमीटर प्लस मैंने चला लिया है। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि ये बाइक आखिरकार टूरिंग कैपेबल है नहीं, लॉन्ग राइड्स लगा सकते हैं या फिर नहीं, लॉन्ग टूर कर सकते हैं या फिर नहीं, सारी बातें आज डिस्कस होने वाली है। और इस बाइक को लेकर के मैंने जब टूर किया था तो मुझे कोई प्रॉब्लम मिली थी या फिर मैंने कुछ प्रॉब्लम फेस किया था या फिर नहीं, माइलेज वगैरह बहुत सारी बातें आज होने वाली है। और ये जो सारी बातें हैं मैं आपको मोटो व्लॉगिंग करते हुए बताऊंगा, तब ज्यादा मजा आएगा। और साथ ही साथ ये जो ब्यूटीफुल सा रोड है ना, ये रोड में जो सीनिक ब्यूटी आप देख रहे ना, इन ब्यूटीज को भी मुझे दिखाना है। तो चलो, तो इस प्यारे से ब्यूटीफुल से रोड का सफर कराते हुए आपको बता दें कि पल्सर N160 लॉन्ग टूर और लॉन्ग राइड्स में कैसी परफॉर्म करती है, या फिर लॉन्ग टूर और लॉन्ग राइड में इसकी परफॉर्मेंस आखिरकार कैसी है। भाई बहुत टाइम के बाद मैंने ग्लव्स पहनी है, लास्ट जो राइड आपने देखा था टवांग के बाद, उसके बाद मैंने ग्लव्स पहनी नहीं है। भाई जैसे हाथ में ग्लव्स डाल दिए और चलाने लग गया ना, तो अंदर की जो राइडर है ना भाई, वो जाग गई है। और ये जो रोड है ना भाई, NH515, भाई ये रोड की बात ही कुछ अलग है। जैसे आप धीमाजे डिस्ट्रिक्ट एंटर करते हो ना, गोगामुख के बाद से भाई जो सीन नजर आते है ना भाई, जो सीन स्टार्ट हो जाते है ना, उसकी फिर तुलना नहीं है। ये देखो सनसेट वाला माहौल, हो क्या नजारा है भाई। तो इसकी टूरिंग कैपेबिलिटी कैसी है, ये टूर के लिए सही है या फिर नहीं है, लॉन्ग टूर में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है बुरी है, सारी बातें हम आज करेंगे। तो देखो यार, अभी ये जो आप पैच देख रहे हो ना, हल्के फुल्के गड्ढे वगैरह, इन सब में उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। प्रॉब्लम बस इतना ही है कि इसका जो सस्पेंशन ट्रेवल है वो उतना स्मूद नहीं है जितना होना चाहिए। बाकी जो दूसरे ADV बाइक होते हैं या फिर जो भी टूरर बाइक होते हैं, उनके जो सस्पेंशन होते हैं ना, उसके मुकाबले ये बाइक का सस्पेंशन भाई बहुत हार्ड है, पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर आपने रिसेंट वीडियो नहीं देखा हो, जहाँ पर मैंने 16,000 किलोमीटर चलने के बाद ना इसको लेकर के ओनरशिप रिव्यू वीडियो एक बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर से जाकर के देख लेना, उसमें भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस किया था। तो देखिए यार, सस्पेंशन ट्रेवल आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, बट एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो यार, 1.5 लाख में आपको टूरर बाइक तो नहीं मिलने वाला है, फिर ADV बाइक तो नहीं मिलने वाला, आपको एटलीस्ट 2 लाख के आसपास जाना पड़ेगा तभी जाकर के आप एक्सपल्स खरीद पाओगे। तो सिंपल सी बात है कि भाई इस प्राइस रेंज में आपको इससे बढ़िया आपको बाइक नहीं मिलने वाली। अब देखो ये जो अभी आपने पैच देखा, ये छोटे छोटे ग्रेवल्स थे, मतलब छोटे बड़े सारे ग्रेवल्स थे, इनके ऊपर में निकालने में उतना कुछ खास फर्क नहीं होता, बट जैसे गड्ढे वाले रास्ते होते हैं ना, फिर उसमें आपके बम में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, मतलब आप समझ लो झटके थोड़े बहुत महसूस होते हैं। उसका सोल्यूशन है कि मेरे पास ये जो सीड देख रहे हो आप, सीड में कुशनिंग का काम कर दो, बस प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने वही किया है, तभी मैं 300-400 किलोमीटर की राइड आराम से दिन में लगा लेता हूँ। ओके जी, एक बहुत ही प्यारा नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला सीमेंट छापरी का, ज़रा भाई वो ब्रिज में पहुँच लूँ उसके बाद आप देखना भाई, ऐसा नज़ारा है ना यहाँ का। और आकाश में ऊपर देख सकते हो बादल है भाई, सनसेट का माहौल बन रहा है ना, ये देखो जी नज़ारा, होए 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 होए, नीचे से बह के जा रही है सीमेंट रिवर, वो रहा ट्रेन का ब्रिज, पीछे अरुणाचल प्रदेश के पहाड़, उधर हो रही है सनसेट, भाई क्या माहौल है यार, क्या माहौल है यार। मैंने कहा ना, ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते में बहुत सारे जगह पर आपको सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगा, बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्रिजेस, नदियाँ, खेत वगैरह, पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने मुझे ये भी बहुत बार पूछा है कि N160 लेकर के एक दिन में हम कितने किलोमीटर तक कवर कर सकते हैं, 400, 500, 200, 300। तो देखो इसका कोई गारंटेड आंसर तो नहीं है। अब मैंने इसको लेकर के 450 किलोमीटर भी चलाया है, अनिनी से नॉन स्टॉप मैं घर तक भी आया हूँ, करीब करीब मान के चलो 470 किलोमीटर मैंने चलाया, और चवांग जाते हुए फिर मैंने तेजपुर तक 300 किलोमीटर भी चलाया था। तो इसका कोई सटीक आंसर नहीं है, आप आराम से चलाओ, जब भी आपको मन करे आप रेस्ट करो, ऐसा नहीं कि आपको 50 किलोमीटर में रेस्ट करना है या फिर 70 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर में, 150 किलोमीटर में रेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। जब भी आपको मन करे, जब भी आप थक जाओ, जब भी आपकी बॉडी मन करे रुक जाने को, तब रुक जाना, पानी पी लेना, सुसु कर लेना, ब्रेक ले लेना, फिर चलाना, तब बाइक को भी आराम मिलेगा, आप भी आराम से अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाओगे। तो भाई राइड में बाइक चलाने का रूल तो यही है, स्टॉक सीट बहुत ज़्यादा हार्ड है,
बहुत मतलब भाई खतरनाक हार्ड है। मैंने पिछले वीडियो में रिसेंट वीडियो में भी कवर किया था, सीड तो भाई खतरनाक है, पत्थर है भाई। आपको उसके ऊपर कुशनिंग करनी पड़ेगी। और हैंडल बार भाई, स्टॉक हैंडल बार बहुत ही ज्यादा बेकार है, एकदम R15 जैसी है। मतलब समझ लो कि आप जैसे 40-50 किलोमीटर चलाओगे ना, आपके बैक में इतनी पेन होगी, रिस्ट में और पूरे शोल्डर में भाई तगड़ी पेन होगी। तो भाई सीन आ गया यार, बीच में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मुझे ये सीन, समझ रहे हो ना। अब हैंडलिंग की बात करूं तो स्टॉक हैंडल बार के साथ हैंडलिंग थोड़ी अलग हो जाती है, और जैसे आप स्ट्रीट हैंडल बार इंस्टॉल करते हो ना, उसके बाद हैंडलिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है। स्टॉक हैंडल में बाइक मुड़ने या फिर बाइक चलाने में कंफर्टेबल ज्यादा है, बट लॉन्ग राइड आप नहीं कर सकते, एकदम ऐसी वाली है R15 वाली। और फुट पैक्स आप देखो तो भाई अग्रेसिव पोजीशन के साथ है, पीछे मुड़े हुए, समझ रहे हो ना, मतलब फुल्ली स्ट्रीट रेस रेडी बाइक है। बट बहुत सारे लोग स्टॉक हैंडल बार के साथ भी लंबे राइड्स लगा रहे हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको हैंडल बार चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप बिना चेंज के भी चला सकते हो, बट लॉन्ग नहीं चला सकते जहां तक मुझे पता है। टूरिंग करने के लिए या फिर लॉन्ग राइड्स के लिए बिल्कुल भी वैसे वाले हैंडल बार रेकमेंडेड नहीं है मेरे हिसाब से। स्ट्रेट हैंडल बार लगा लो, आराम से आप दिन में 200-300 तो आंख बंद करके आप चला लोगे। बाकी यार देखो, पावर है, स्पीड है, लुक्स है, सब कुछ तो है ही इस बाइक में। एक दो कमियां है भाई, वो थोड़ा आप सुधार लोगे तो बाइक एकदम फुल्ली रेडी है, आप कितना भी लंबा लगा लो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और अभी भी मार्केट में बहुत सारी ऐसी बाइक्स हैं जिनकी जो हेडलाइट की थ्रो है उतनी अच्छी नहीं है, उनको एक्स्ट्रा ऑक्स लाइट लगाना पड़ता है या फिर एक्स्ट्रा फॉग लैंप वगैरह लगाना पड़ता है। बट जहां तक मैंने इसकी हेडलाइट की थ्रो देखी है, हेडलाइट की थ्रो काफी हद तक अच्छी है, रात में भी बहुत अच्छी विजिबिलिटी देती है। एज ए टूरर आप रात में भी बाइक चलाते हैं या फिर रात में आपको राइड करने पड़ जाए नाइट राइड में, तो आपको काफी हद तक साथ देगी। बट फिर भी आप एक्स्ट्रा विजिबिलिटी के लिए ना ऑक्स लाइट या फिर फॉग लैंप वगैरह आप बाहर से लाइट वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। चलो जी, हनुमान मंदिर आ गया, जय बजरंगबली। लॉन्ग राइड्स और लॉन्ग टूर के लिए ना आपकी बाइक की टंकी कितनी बड़ी है वो भी मैटर करती है, और माइलेज कितनी देती है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो मैं आपको बता दूं कि पल्सर N160 की टैंक कैपेसिटी आई थिंक 13-14 लीटर की होगी, बहुत ज्यादा नहीं है, बट भाई इसकी जो माइलेज है ना वो बहुत ही अच्छी है। अगर आप इसको ना 70-80 में भी चलाओगे ना, तो ये आपको आराम से 40 प्लस की माइलेज निकाल के देगी, जो कि फुल टैंक करने के बाद आराम से आप 500-550-600 किलोमीटर के रेंज निकाल सकोगे, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है रेंज को लेकर के। फ्यूल टैंक छोटा है बट माइलेज अच्छी है, तो कॉम्बिनेशन बहुत सही है, माइलेज अच्छा कर दिया, बस फ्यूल टैंक को थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो इधर उधर करके कंपनी ने जैसे तैसे मैनेज तो किया यार, ये तो मानना पड़ेगा। तो देखो लॉन्ग टूर में अभी तक मैंने जितना इसको चलाया ना, मुझे खास बाहर से कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है। हाँ, आप एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए अपनी बाइक के ऊपर क्रैश गार्ड वगैरह लगा सकते हो या फिर हैंड गार्ड वगैरह लगा सकते हो। हाँ, एक बात बता दूँ आपको, मैं बहुत जल्दी एक टूरिंग मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा, शायद इसके बाद या फिर इसके बाद के बाद वीडियो आने वाला है। अभी ये जो बाइक आप देख रहे हो ना, इसमें दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता मुझे पड़ गई है, दो नहीं इनफेक्ट तीन चीज़ों की, तो वो कौन सी चीज़ें, वो सारे आपको वीडियो में पता चल जाएगा, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। तो टूरिंग के लिए अभी भी ये बाइक परफेक्ट नहीं है, इसमें दो तीन चीज़ें ऐड करनी है, उसके बाद ये बाइक परफेक्ट बन जाएगी। बाकी हाँ, आप लोगों ने ये भी मुझे बहुत बार पूछा है कि जो टायर है मेरा वो स्टॉक टायर है क्या, या फिर मैंने कौन सा दूसरा टायर लगवाया है, आपने ये बातें भी मुझे बहुत बार पूछी है। तो आप को बता दो कि कंपनी फिटेड टायर है भाई, बाइक के साथ जो टायर आई थी भाई वही टायर से मैं बाइक चला रहा हूँ, 20,000 किलोमीटर से पहले या फिर उसके बाद ही मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। और अभी जो टायर लगी है वो टोटल फुल्ली हाईवे टायर लगी है भाई, हल्की सी ग्रिप है उसमें भाई, नॉर्मल भाई हाईवे में क्रूज करने के लिए बेस्ट रहेगी। अब आप खुद ही सोचो कि इसी टायर को यूज करके मैंने भाई तगड़ी तगड़ी ऑफ रोड करी है भाई, लंबे लंबे राइड्स लगाए हैं, अभी तक 16,000 किलोमीटर चला लिया है, और उन 16,000 किलोमीटर में भाई मैंने वाटर क्रॉसिंग करी थी, तगड़ी ऑफ रोड करी थी भाई, बहुत ही बुरे रास्ते में चलाया भाई, कहीं तो भाई रास्ता ही नहीं था, बड़े बड़े गड्ढे खड्डे पत्थरें वगैरह थी, बड़े बड़े बोल्डर्स थे उनके ऊपर भी ये बाइक चलाई है। तो आप खुद ही सोचो कि टायर कितना ही ज्यादा मैटर करता है। बस देखो, खुद को कोसना बंद करो, कंप्लेंट करना बंद करो, बहाने बनाना बंद करो, जो बाइक है जो स्कूटी है उसको लेकर के राइड करना स्टार्ट करो, धीरे 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 आपको उसी बाइक या फिर स्कूटी से प्यार होने लगेगा। फिर बाद में जैसे जैसे आप पैसे जोड़ोगे उसके बाद आप अपनी अच्छी सी या फिर क्वालिटी वाली बाइक खरीद लेना, फिर आप भी मजे से बाकियों की तरह अच्छी बाइक लेकर के बड़ी बाइक लेकर के राइड करोगे। पर इसमें दो बातें होती हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खरीद सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं आपको रोक रहा हूँ, जिनके पास पैसे हैं वो खरीद सकते हैं, बट जिनके पास नहीं है पैसे उनको मैं बता रहा हूँ कि आप लोग ना अपना दिमाग खराब मत करो, आपके पास जो बाइक है उसी को लेकर के स्टार्ट कर दो, पहले आप राइड करो तो सही, फिर देखना धीरे धीरे आपको उसी बाइक या फिर उसी स्कूटी से प्यार होने लगेगा। तो बताना आप में से कितने लोग हो जिनके पास बाइक है स्कूटी है, जो लोग सोचते हो कि मेरे पास अच्छी बाइक स्कूटी नहीं है इसलिए मैं राइड नहीं करता, लॉन्ग राइड्स नहीं लगाता, और आप में से वो कितने लोग हो जिनको राइड तो करना है बट आपके पास बाइक या फिर स्कूटी दोनों में से एक भी नहीं है।